सबके घर की मसाला पनीर की रेसिपी अलग अलग है, पर फिर भी हम रेस्टोरेंट वाली मसाला पनीर को बहुत मिस करते हैं। तो आज मैं एकदम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाते हैं ना वैसे सिखाऊंगी रेसिपी। तो सबसे पहले ना 2 टमाटर और 5 से 6 काजू को आप बॉईल कर लो। टमाटर के पीछे ना कट लगा देना। यहाँ पे मैं अदरक ले रही हूँ 1 इंच के करीबन और उसको टुकड़ों में काट ले रही हूँ। उसके बाद 12 से 15 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं, जो उबाले थे हमने काजू ना उनसे ले लेंगे। और उसके बाद टमाटर जो लिए थे इसका इस तरीके से छिलका उतार देंगे। कट लगाने से क्या होता है ना, छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। और उसके बाद जब इसका छिलका अच्छी तरीके से आप उतार लेना, तो इसमें ज़रा देगी मिर्च डाल देना। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा डाली है। और पानी डाल के पेस्ट बना लेना। फिर पैन में ना 2 चम्मच घी लेना। यहाँ मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहो तो मक्खन में बना सकते हो या ऑयल में बना सकते हो। अब घी जब गर्म हो जाएगा ना, तो 2 हरी इलायची, 1 लौंग, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता डाला है मैंने। उसके बाद 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए मैंने। प्याज को ना एकदम बारीक काटना। अब क्या करना है, इसे घी में भून लेना है जब तक कि हल्का गुलाबी नहीं हो जाता, हल्का रंग नहीं आ जाता। ये देखो हल्का रंग आ गया है ना, तो जो हमने प्यूरे बना के तैयार करी थी ना उसे डाल देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच देगी मिर्च, कम तीखी वाली जो नहीं होती है वो डालनी है। और बस अब इसे चलाते हुए पका लेना है जब तक साइड से एकदम ऑयल नहीं निकल जाता। अब इसकी भुनाई आप अच्छे से करना, क्योंकि मसाला पनीर में यही मेन स्टेप है। ये देखो कितना बढ़िया मसाला भुन गया है और ऑयल भी साइड से बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये ऐसी सब्जी है कि जिसे नान के साथ खाओ तो मज़ा है, चावल के साथ खाओ तो मज़े हैं, और रोटी के साथ खाओ तब भी बहुत अच्छी लगती है। इससे मैंने ना 1/2 ग्लास पानी डाल दिया, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसे थोड़ा लपटपा सा बनाना है, बहुत पानी वाला नहीं बनाएंगे। और पनीर के देखो मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है। और बस अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये इतनी मसाला पनीर ना आप 4 लोगों को सर्व कर सकते हो। और इसके बाद थोड़ा सा और पानी मैं बढ़ा रही हूँ, ढक के पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। पकाने के बाद ना इसमें डाल दूँगी मैं कसूरी मेथी। इसे हाथ से क्रश करके डालना, बहुत अच्छी महक आती है। और गरम मसाला डालेंगे, मैंने ना 2 चुटकी गरम मसाला डाला है। और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। कितना बढ़िया रंग आया है ना, धनिया पत्ता डाल के गर्मा गर्म मसाला पनीर को सर्व कर लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। आप ग्रेवी का कलर देखो कितना अच्छा है। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।